हाँ मैं देख पा रही हूँ. हाय, थैंक यू फॉर जॉइनिंग विद इंस्पायर क्रू. ओह वेलकम. सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंस्पायर क्रू के बारे में बताती हूँ. तो इंस्पायर क्रू एक प्लेटफॉर्म है जो कि एक्सट्रीम एंड आउटडोर स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं. इसमें बिकॉज तुम्हें पता है ये एक्सट्रीम एंड आउटडोर स्पोर्ट्स जब हम बात करते हैं तो इसमें रॉक क्लाइंबिंग आता है, आइस क्लाइंबिंग, लॉन्ग बोर्डिंग, स्केट बोर्डिंग, ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स है और इनको लोग जानते नहीं इंडिया में. तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं यही काम कर रही हूँ कि इन सारे स्पोर्ट्स को और इन सारे स्पोर्ट्स को जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उन सारे एथलीट्स को एक आइडेंटिटी मिले और ज्यादा से ज्यादा लोग इस स्पोर्ट्स में जुड़े. एंड व्हाई आई कनेक्टेड विद यू बिकॉज यू आर इनटू जिमनास्टिक एंड जो भी तुम चीजें करती हो वो अपने आप में एक एक्सट्रीम लेवल पर ही है. लाइक तुम जनरली लोगों को देखोगे नहीं कि ये ऐसी चीजें कर रहे हैं, ऐसे स्टंट्स कर रहे हैं गर्ल्स लोग. तो आई होप कि आज जो हमारा कॉन्वर्सेशन हो रहा है उससे किसी को मोटिवेशन मिले, किसी को इंस्पिरेशन मिले और वो अपनी लाइफ में चीज को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करे. तो थोड़ा तुम अपने बारे में बताओ कि तुमने कैसे, मतलब कब तुम्हें पता चला कि तुमने जिमनास्ट ज्वाइन करना चाहिए, कि क्या इंस्पिरेशन थी उसके पीछे की? ऐसा मतलब कोई इंस्पिरेशन नहीं थी क्योंकि जब मैंने जिमनास्टिक ज्वाइन किया था तो हम बहुत ही छोटे थे. मतलब मैं शायद 7 या 8 इयर्स की थी, पता भी नहीं था कुछ भी. मतलब हमें ऐसे ही पापा लेकर गए एक बार स्टेडियम, क्योंकि पापा हमें लेकर जाते थे हमेशा पार्क वगैरह. तो एक दिन स्टेडियम ले गए होंगे तो फिर वहाँ देखा, वहाँ बलबीर सर से मिले तो उन्होंने बोला कि मतलब इन्हें जिमनास्टिक्स में डाल दो. तो उन्होंने फिर हमें वहां जिमनास्टिक ज्वाइन करा दी. तो तब से ही हम जिमनास्टिक कर रहे हैं. अच्छा, तो फिर मतलब तुमने मुझे जब ऐसे ही हमारी कैजुअली बात हो रही थी तो पता चला कि बहुत सारे तुमने कॉम्पिटिशन भी खेल रखे हैं. तो थोड़ा बताओ कि मैंने 35 नेशनल्स खेले हैं. ओ वाओ, 35 नेशनल्स. हाँ, मैंने 14 इयर्स मतलब प्रोफेशनल मतलब कंपटीशन लेवल पे जिमनास्टिक की है. तो उसमें मैंने 35 नेशनल्स किया है और मैंने स्टेट में मैं ऑलवेज मतलब हरियाणा की बेस्ट जिमनास्ट रही हूँ. बहुत रेयर होता था कि मैं सेकंड या थर्ड आऊँ, तो ऑलवेज मैं फर्स्ट आती थी. हरियाणा में कहाँ से हो? मैं हरियाणा में अम्बाला से. अच्छा, तो अंबाला में क्या इस चीज का बहुत ज्यादा कल्चर है या फिर बस ऐसी चीजें हो रही थी? हरियाणा में जो जिम्नास्टिक्स है मतलब हरियाणा में अंबाला में बेस्ट जिम्नास्टिक्स है. मतलब सेंटर भी जिम्नास्टिक का सबसे बेस्ट यहीं पर ही है अंबाला में. और यहाँ की मतलब जिम्नास्टिक प्लेयर्स भी बहुत अच्छे हैं और यहाँ के कोचेज मतलब अच्छे हैं काफी, जो बहुत सपोर्ट करते हैं और जिनकी वजह से हम इतने अच्छे मतलब नेशनल लेवल तक पहुंचे. वैसे तो बहुत बार होता है ऐसे, तो मतलब कि बहुत बार होता था कि हम नहीं कर पाते थे, बट जैसे कि कोच जो था हमारा वो वही हमें सिखाते थे. अंजुदुआ मैम, बलबीर सर, अगर हमें कोई प्रॉब्लम आती थी तो हम उन्हें बताते थे. मतलब वो हमें हेल्प करते थे हमें सिखाने में, क्योंकि जिमनास्टिक एक ऐसा स्पोर्ट है मतलब कि आप उसे अकेले तो सीख नहीं सकते, आपको प्रॉपर बेसिक और प्रॉपर हेल्प की भी जरूरत होती है. तो हमारे कोचेस वो हमें देते थे तो जिससे हम वो एलिमेंट इजीली कर पाते थे जिस चीज में भी. अच्छा, हमें प्रॉब्लम आती थी. अच्छा, तो मतलब मैं थोड़ा बहुत ऑडियंस को बताना चाहूंगी कि पारुल इंस्टाग्राम स्टार है, उसके मोर देन 20,000 फॉलोअर्स है और वो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते, वीडियोस क्रिएट करती है अपने अलग अलग हर दिन के स्टंट्स की. अच्छा, तो मतलब ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई तुम्हारी इंस्टाग्राम पे वीडियोस डालने की और फिर इतने सारे फॉलोअर्स गेन किया तुमने, कैसे मतलब? बस जब मुझे टिकटॉक, पहले तो जब टिकटॉक था तो मुझे टिकटॉक के बारे में पता चला, तो मैंने टिकटॉक पे अपनी वीडियोस डालना स्टार्ट किया. मुझे मेरी फर्स्ट वीडियो पे 5,91,000 लाइक्स थे और 11 समथिंग मिलियन उससे व्यूज गए थे. तो मतलब मैंने अपनी पहली वीडियो डाली और मुझे इतना ज्यादा लोगों का प्यार मिला, सपोर्ट मिला, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा. सबसे मतलब मैंने टिकटॉक पे अपनी वीडियोस डालना स्टार्ट की. उसके बाद टिकटॉक आपको पता है बैन हो गया. उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम पे
अपनी वीडियोस डालना चाहती, तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे अच्छा प्यार मिला लोगों का, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे अच्छे से पता है टिकटॉक के बारे में, क्योंकि जब टिकटॉक बैन होने वाला था तो मैंने सोचा कि ये आखिर ये ऐप है क्या, मतलब इतना ज्यादा बस क्रिएट कर रहा है, तो मैंने डाउनलोड किया जिस दिन बैन होने वाला था उसके एक दिन पहले, और बस एंजॉय किया उसमें जो वीडियोस थे। कंटेंट तो काफी अच्छे होते हैं, बट मुझे भी ट्राई करना था, लेकिन उससे पहले वो ऐप जो डाउनलोड किया वो रखा ही रह गया मेरे पास, फिर मुझे वो हटाना पड़ा। अच्छा, तो फिर मतलब अभी तुम जिमनास्ट सीख रही हो, प्रैक्टिस कर रही हो, प्रैक्टिसेस के लिए जाती हो, या फिर बस ऐसे वीडियोस के लिए तुम कंटेंट क्रिएट कर रही हो? नहीं, अभी सिर्फ तो मैं वीडियोस के लिए कंटेंट क्रिएट करती हूँ अभी, क्योंकि मुझे इतना टाइम भी नहीं मिल पाता। तो प्रैक्टिस में थोड़ी बहुत करती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है एलिमेंट्स की, बाकी स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी मैं करती हूँ, क्योंकि स्ट्रेंथ होना जरूरी है तभी हम एलिमेंट्स अच्छे से कर पाएंगे, स्ट्रेंथ अच्छे से कर पाएंगे अगर बॉडी में स्ट्रेंथ होगी तो। डेफिनेटली, तो मतलब तुमने छोड़ दिया अभी वहां पे कोचिंग के लिए जाना जिमनास्ट के लिए? हाँ, अभी तुम सारी चीजें, तो तुमने अभी मुझे बताया कि टाइम नहीं मिलता है, मतलब और क्या चीजें करती हो तुम इसके अलावा, या फिर मतलब फुल मैं नहीं मैं जॉब करती हूँ, मैं छोटे अच्छा। बच्चों को ट्रेनिंग देती हूँ जिमनास्टिक्स की, और फिर इसलिए अच्छा। अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता, तो जब भी टाइम अच्छा। मिलता है मुझे, मैं यही वीडियोस बनाती हूँ और अपलोड करती हूँ। मुझे अच्छा। वीडियोस बनाना अपलोड करना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मतलब कैसा फील होता है, क्या चीजें मतलब वो अभी तक का सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट तुम्हें क्या मिला है, जो कि सुनके तुम्हें बहुत अच्छा लगा और बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला और लगा कि नहीं अभी मुझे और करना है, कुछ ऐसी फीलिंग आती है ना? बस मुझे वीडियोस के ऐसा, क्योंकि सबके कमेंट्स पढ़ना तो मतलब पॉसिबल सा नहीं हो पाता, तो मैं जितने हो सकते मतलब पढ़ती हूँ ऐसे कमेंट्स वगैरह, तो बट यही है कि जब वीडियोस पे इतने सारे लाइक्स आते हैं और कमेंट्स आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा okay. लगता है मतलब तुम्हें कमेंट्स पढ़ के, मतलब ऐसा कुछ अभी तक कुछ माना है कि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारी चीजें तुम पढ़ती हो, बहुत सारे नहीं पढ़ पाती, बट कुछ ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो तुमने पढ़ा हो और जो तुम्हें याद है तुम्हारी मेमोरी में वो प्रिंट हो गया है और जो कि तुम्हें बहुत मोटिवेशन देता हो? नहीं, ऐसा नहीं है कुछ भी। अच्छा, बट मेरी तरफ से तुम्हारे लिए बेस्ट कॉम्प्लीमेंट है, आई वुड से कि मतलब तुम जो कर रही हो बहुत अच्छा कर रही हो, और छोटे बच्चों को सिखा रही हो, ये सबसे अच्छा काम है, क्योंकि हमारी आने वाली जनरेशन ही इस चीज को कैरी फॉरवर्ड करेगी, क्योंकि अभी का जो टाइम है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लोगों को समझाना डिफिकल्ट होता है कि तुम क्या कर रही हो। अच्छा, मतलब हाँ, मतलब मुझे ये बताओ कि तुम्हें आज तक कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई समझाने में लोगों को कि तुम क्या कर रही हो, मतलब लोगों ने तुम्हें कुछ ऐसा नहीं समझा कि अरे तुम मतलब क्या कूद फांद रही हो, तुम्हें कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए, होता है ना लोगों को? हाँ, ऐसे तो मेरी वीडियो से बहुत सारे लोग मुझे ऐसे कमेंट करते हैं अच्छा। जैसे आप बोल रहे हो बाकी अच्छा। और मैं जब छोटी थी तब जैसे कि तब नहीं पता था, जब से मतलब दीपा कर्माकर ओलंपिक गई है और तब से लोग जानने लग गए जिमनास्टिक को काफी, मतलब अब तो उन्हें पता है जिमनास्टिक क्या होती है, पहले नहीं पता थी किसी को जिमनास्टिक क्या है, तब उन्हें इस तरह ही बताना पड़ता था जिमनास्टिक के लिए, धीरे 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 फिर पता चला लोगों को जिमनास्टिक क्या है। अगर जब मैं अपने स्कूल फ्रेंड्स को जिमनास्टिक करके दिखाती थी कभी कभी, तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगता था। तो तुमने अभी बताया कि तुम लोगों को समझाती थी, उनको समझ नहीं आता, तो वो समझाने का तरीका क्या होता था, मतलब क्योंकि किसी को डिफिकल्ट है एक्सप्लेन करना, राइट? कोई भी ऐसे जो भी नए जिमनास्ट, कोई नया स्पोर्ट नहीं, बहुत पुराना स्पोर्ट है, बट लोगों को पता नहीं है अभी भी उस लेवल पे, तो क्या एक्सप्लेन करती थी तुम उनको समझाने के लिए, ऐसा कि डायरेक्ट करके दिखाती थी, कुछ कुछ को तो मैं अपने स्कूल फ्रेंड्स को ऐसे बता देती थी, करके दिखा देती थी, और किसी किसी को ऐसे भी बताते थे जैसे सर्कस में देखा होगा तुमने,
उस टाइप का कुछ होता है, क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं आता था कि जिमनास्टिक, उन्हें नाम भी जो कभी कभी तो कोई लोग बोलते थे कि हमने तो जिमनास्टिक का नाम ही पहली बार सुना है, बट अभी जो टाइम है अभी तो मतलब बहुत से लोग हैं जिनको पता है जिमनास्टिक के बारे में और क्या है जिमनास्टिक, क्योंकि अभी तो बहुत ज्यादा लोग अवेयर हो गए हैं जिमनास्टिक से. तो पर तुमने मुझे वो चीज नहीं बताई, जैसे कि तुम बोल रहे थे ऐसे कमेंट्स तो आते रहते, मतलब लोग बोलते रहते तुमको कि मे बी तुमको नहीं करना चाहिए, तुम क्या कर रहे हो, तो उनमें से कोई ऐसा कमेंट, मतलब मैं थोड़ा इसलिए जानने में इंटरेस्टेड हूँ, मतलब मुझे पता चले कि आखिर हर किसी को अलग अलग, हर किसी की लाइफ में अलग अलग लोगों का इनकाउंटर होता है, तुम्हारे लाइफ में कैसे कैसे कॉमेंट्स का इनकाउंटर हुआ है. मेरे मतलब लोग ऐसे ही कमेंट्स करते हैं, ये क्या कर रहे हो, इससे करके क्या मिलेगा, ये क्या है, मतलब ऐसे टाइप के कमेंट्स करते हैं लोग. मैं उन्हें इग्नोर ही करती हूँ, वैसे मैं उन्हें कुछ ज्यादा ऐसे रिप्लाई करती नहीं कभी भी, तो मैं उन्हें इग्नोर कर देती हूँ. जो मुझे ऐसे कमेंट करते हैं उनको थैंक यू बोल देती हूँ, क्योंकि किसी को आप ऐसे नहीं बोल सकते, आप समझा भी नहीं सकते उसे, तो ठीक है उनको छोड़ दो, उनको जो बोलना है बोलने दो, तो मुझे क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता. तो तुम्हें, मुझे बताओ तुम्हें कैसा फील होता है वाकई जिमनास्ट करके, ऐसे चीजें करके, ऐसे ट्रिक्स करके? मुझे अच्छा लगता तुम्हारी है बहुत ही. देखी कि तुम बैक टू बैक फ्लिप्स कर रही हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ लगता है उसमें नॉर्मली, मतलब बहुत ज्यादा एंड्योरेंस लेवल चाहिए होता है उसके लिए. तो एक तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा लगता है ये सारी चीजें करके, और तुम कैसे ट्रेन करती हो इसके लिए, कुछ मतलब मैं देखना चाहूंगी तुम कुछ क्या करती हो, और मे भी अगर तुम कुछ यहाँ पे अभी लाइव दिखा सको कुछ करके, तो लाइक लाइव मैं आपको करके तो दिखा दूंगी. बाकी जो ट्रेनिंग मैं करती हूँ, जैसे मतलब वही है, मैंने 14 ईयर्स क्योंकि जैसे जिमनास्टिक की है, तो अभी तो ऐसा हो गया मुझे कोई डर भी नहीं लगता है ज्यादा ऐसे रोड पे, क्योंकि वैसे हम जिमनास्टिक्स होती है वो मैट पर होती है, ऑपरेटर्स होते हैं उसके, तो और लाइक मैं जिमनास्टिक कहीं पे भी स्टार्ट हो जाती हूँ. वैसे तो अगर रोड पे भी कभी कभी मैं स्टंट्स करती हूँ और पार्क में भी करती हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मतलब मुझे डर भी नहीं लगता है करते हुए, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है. अच्छा लगता है, सही बात है, वो देख के पता चलता है लाइक खुशी होती है. तो मुझे अभी तुम क्या करके दिखाने वाली हो इधर? ओके, मैं आपको राउंड ऑफ फ्लिप करके दिखाती हूँ, राउंड ऑफ बैक फ्लिप. हाँ बिल्कुल. मेरी सिस्टर मेरा कैमरा पकड़ रही है और वो बैक फ्लिप कर रही है. तुम्हारी वीडियो थोड़ी पॉज सी हो गई है. ठीक है, हाँ ओके. हाँ, तो मैं सामने से आपको यहाँ फ्लिप करके दिखाती हूँ. हाँ, राउंड ऑफ बैक फ्लिप. अच्छा, आपने देखी क्या? हाँ देखी मैंने बिल्कुल. और तुम्हारा फेवरेट ट्रिक कौन सा है? मेरा फेवरेट राउंड ऑफ साल्टो एंड एरियल कार्टवील. ये बताओ कि वार्म अप कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी वगैरह हो गई हो ऐसे? हाँ, मुझे इंजरीज हुई हैं बहुत बार. एक बार ही मेरी गेम में भी हुई है मुझे, जब मैं छोटी थी और मैंने हमारे अगले दिन ना कॉम्पिटिशन थे, और उससे एक दिन पहले हम लोग मस्ती कर रहे थे, ऐसे खेल खेल में एलिमेंट्स कर रहे थे, और जिसकी वजह से ना मेरी फिंगर में चोट लग गई थी, मतलब वो टूट गई, मतलब अंदर ही अंदर टूट गई थी. अच्छा. और हाँ, तो बट मैंने उसके बाद भी नेक्स्ट डे अपना कंपटीशन खेला था, कंपटीशन नहीं छोड़ा. और जैसे 4 ऑपरेटर्स होते हैं जिमनास्टिक के ना. अच्छा. तो मेरा उसमें से एक पे 3rd मेडल भी था. अच्छा. तब मैं शायद 5th या 6th स्टैंडर्ड में थी. हाँ, और एक बार मैं नेशनल्स गई थी हैदराबाद, वो हमारे स्कूल नेशनल्स थे, तो मैंने एक एलिमेंट था शुक्वारा,
वो नया नया सीखा था और वो जाके अच्छा। मैंने ट्राई कर लिया वहां पर कंपटीशन में। हाँ। तो जब वार्म अप टाइम चल रहा था तब तो अच्छे से हो गया, लैंडिंग आ रही थी, और जब मैंने डायरेक्ट कंपटीशन में किया तो मैं नेक पर आई थी तो बिल्कुल हेड पे ऐसे गिरी थी, तो जिससे मेरी नेक में चोट लग गई थी थोड़ी सी। हाँ, और हाँ, हाँ। मैं वही थोड़ा सा मतलब अनकॉन्शियस हो गई थी, बट फिर मैं ठीक हो गई। बट मैंने उसके बाद भी अपना पूरा कॉम्पिटिशन खेला था और ऐसा मेरे साथ, और एक बारी मेरे मैं रांची गई थी। अच्छा। नेशनल गेम्स से तो कुछ पता नहीं है, सही बात है, कभी भी हो सकती है तुम्हें। बिल्कुल। और इसको मुझे लगता है इसको सोचे बिना ही खेलना चाहिए एक एथलीट को, जैसे बिल्कुल। मतलब ये काफी बड़ी बात है कि तुम अनकॉन्शियसली फिर भी उसमें तुमने किसी तरीके से मैनेज किया कंपटीशन को, खेलना क्विट नहीं किया क्योंकि हाँ। राइट वो नहीं मतलब नॉर्मल, थोड़ा सा नॉर्मल होने के बाद। करेक्ट। और नॉर्मली हम लोग यही चीजें मिस कर देते हैं क्योंकि हम कभी भी कोई ऐसे चीजों को अप्रोच करते हैं जो थोड़ा सा ज्यादा टाइम डेंजरस होता है इन द सेंस, या फिर कोई रिस्क होता है, तो उसको हम थोड़ा सा हमारे मन में डर आ जाता है और इस वजह से हम उसको अचीव नहीं कर पाते। और आई गेस कि तुमने इस लेवल को अचीव इसलिए किया है क्योंकि तुमने उस चीज को साइड में रखा, अपने फियर को, इंजरीज को, और तुमने बहुत सारी चीजें की अपने लिए। तो अभी तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या है? अभी मुझे कोच बनना है, जिमनास्टिक कोच। अच्छा। और लाइक वही अपनी वीडियोस, कोई और वीडियोस में ही और ज्यादा करना है, कंटेंट क्रिएट करना है, कंटेंट क्रिएट करना है और ज्यादा, बस यही है अभी तक तो। अच्छा। हाँ। पर तुमने एक चीज मैं मिस कर रही हूँ, पर तुमने ये बताया बहुत सारे नेशनल कॉम्पिटिशन के लिए और बहुत सारे मेडल्स भी आए, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि इंटरनेशनल जाने की अपॉर्चुनिटी मिली तुम्हें? इंटरनेशनल जाने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली मुझे कभी भी, शायद उस लेवल तक की मेरी प्रैक्टिस नहीं थी, शायद इस वजह से मैं नहीं जा पाई इंटरनेशनल लेवल। और बस मेरा एक बार टेंथ में थी जब मेरा इंडिया कैंप में नाम आया था, और वो भी मैं नहीं जा पाई थी किसी वजह से। अच्छा। हाँ, उसके बाद ठीक है। तो तुम अपने जो भी इस वीडियो को देखेंगे उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? एक क्या मैसेज? कुछ भी नहीं है, मतलब क्या मैसेज देना चाहोगे? मे बी तुमने जो अपने लाइफ में सीखा होगा, तुमने जो अपने स्पोर्ट्स के थ्रू सीखा होगा, और जो तुम सोचते होगे कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है और वो तुम्हें मैसेज को आगे कन्वे करना चाहिए लोगों को, ताकि उनको भी अपनी लाइफ में हेल्प हो पाए किसी तरीके से। बस यही है कि अब जो भी आप करना चाहते हो उसकी प्रैक्टिस करो, तो क्योंकि प्रैक्टिस ही है जिसकी वजह से मतलब आप जो भी आपका गोल है वो आप अचीव कर सकते हो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और जो जो चीजें उसके लिए जरूरी है वो करना। करेक्ट, एब्सोल्युटली। और ठीक है पारुल, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए, और हम फिर बात करेंगे, और आई विश यू ऑल द बेस्ट। मतलब जो भी तुम कर रही हो वो करते रहो, कंटेंट क्रिएट करते रहो बहुत सारे, और जो भी तुम्हारा ड्रीम है उस ड्रीम को बिल्कुल अचीव कर लो, क्योंकि तुम बहुत अलग कर रही हो बिल्कुल विदाउट एनी डाउट। ठीक है, और मे बी तुम और लोगों को इन्फ्लुएंस करो और लोग इसमें ज्वाइन हुए और उस लेवल को क्रॉस करें। एक जो लेवल है वो अपने लेवल से बियॉन्ड परफॉर्म करें, क्योंकि तभी जाके आगे वो चीजें ग्रो होंगी, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो आपकी लाइफ होती है, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो। बिल्कुल। और हम फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे।